अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ग्रामीण क्षेत्र में आजकल आमा की पाठशाला चर्चा में। हल्द्वानी के बची नगर दो ग्रामीण क्षेत्र में आजकल एक छोटी सी पाठशाला चर्चा में है। पाठशाला की शुरुआत अल्मोड़ा की मूल निवासी 85 वर्षीय श्रीमती ललिता तिवारी ने की है, जो हिंदी की गूंज संस्था की हल्द्वानी शाखा से भी जुड़ी है और 1950 के दशक में अध्यापिका भी रह चुकी है। एल पाठशाला में आने वाले तीसरी से छठी कक्षा के बच्चे, जिन्हें आमा कहकर बुलाते हैं, एल ये बच्चे करीब परिवारों से हैं और ट्यूशन की फीस देने में सक्षम नहीं है, मगर आमा की इस पाठशाला में शाम को ही 1 से 2 घंटे हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर बहुत प्रसन्न रहते हैं और नियमित रूप से पढ़ने आते हैं। एल छठी कक्षा की विद्यार्थी सेजल खुशी से कहती है, हम तो 500 रुपए फीस देकर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जहां टीचर पिटाई भी करते थे और ठीक से समझाते भी नहीं थे। एल यहां हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। सेजल का छोटा भाई सौरभ, साथ ही निखिल, पिंकी, मोहिनी और अंकित, ये सभी बच्चे आमा की पाठशाला में आने को आतुर रहते हैं। एल इस छोटी सी पाठशाला की शुरुआत तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले निखिल को पढ़ाने से हुई, जो पढ़ना चाहता था मगर ट्यूशन की फीस देने में सक्षम नहीं था। एल निखिल को आता देख कुछ अन्य बच्चों ने भी पढ़ने का आग्रह किया और इस पाठशाला ने सबको स्वीकार भी कर लिया गया। एल आमा कहती है, विद्यादान कोई जितना भी करने में सक्षम हो उसे करना ही चाहिए। एल यह सत्कर्म तो है ही, समाज और देश सेवा भी है। हिंदी की गूंज संस्था की हल्द्वानी शाखा प्रभारी सेवानिवृत्त शिक्षिका और प्रसिद्ध कवयित्री निर्मला जोशी भी बच्चों को शिक्षित करने के इस प्रयास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। एल निर्मला बताती है कि इन बच्चों के ज्ञान का स्तर अपनी कक्षा के अनुरूप नहीं है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षकों का प्रत्येक बच्चे पर समुचित ध्यान न देना है। एल इनके घर का माहौल और आर्थिक तंगी जैसी बातें भी इसकी जिम्मेदार है। एल आता भले ही इनके पाठ्यक्रम में हर विषय की कठिन किताबें चल रही है, लेकिन अभी ये अक्षर ज्ञान, 1-2 अंकों के गुणाभाग और 1 से 10 तक के पहाड़ों से जूझ रहे हैं। एल यह बहुत चिंताजनक है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। एल निर्मला कहती है, यह अत्यंत विचारणीय स्थिति है। इसे बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखकर इस समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत है, क्योंकि यह देश के भविष्य को संवारने का प्रश्न है। हम अपने स्तर पर इन बच्चों की बुनियाद को मजबूत करने का छोटा सा यत्न कर रहे हैं। गत 15 अगस्त को इस पाठशाला में बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया, अपने हाथों से तिरंगे झंडे के चित्र बनाए, राष्ट्रगान गाया और गीत भी गाए। एल निर्मला जी ने बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरक प्रसंग सुनाए। एल संयुक्त राष्ट्र की वरिष्ठ अधिकारी एल लक्ष्मी भी इस मौके पर मौजूद रही। उन्होंने बच्चों को स्टेशनरी, चॉकलेट, मिठाई आदि भेंट की। एल आमा की सुपुत्री, संसद की पूर्व निदेशक और संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भारती तिवारी भी इस पाठशाला में समुचित सहयोग कर रही है। पाठशाला को सामाजिक संस्था फ्रेंड्स का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। पाठशाला आमा के घर पर ही चल रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत नाज़
मुझे इनसे बहुत प्यार है, मुझे इनसे बहुत प्यार है। चिड़िया जो पंख खोलकर, वो चिड़िया पंख खोलकर दूध भरे चार का बोला।